यहाँ पे हम आफ्टर ट्वेल्थ इन साइंस विथ PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हमारे पास कितनी सारी करियर अपॉर्चुनिटी है और उसकी जॉब एरिया की बात करेंगे। इस वीडियो में हम उनकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉलेज एडमिशन प्रोसेस और टाइप ऑफ कॉलेज की बात नहीं करने वाले हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन लेट गेट स्टार्टेड। इंजीनियरिंग PCM से ट्वेल्थ पास करने के बाद इंजीनियरिंग में करियर बनाने का एक बहुत बड़ा फील्ड मिलता है। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दिस। यहाँ पे अब हम जॉब एरिया की बात करते हैं। तो देखिए, कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एक ब्रांच लेकर के इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। तो आपको इंडस्ट्री में भी ब्रांच के अकॉर्डिंग ही जॉब मिलता है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड, सिविल इंजीनियरिंग के लिए आर्किटेक्चरल फील्ड एक्सेट्रा। इंजीनियरिंग में मेनली कितनी सारी ब्रांच होती है उसका हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, मे बी विद इन अ मंथ। मर्चेंट नेवी, यहाँ पे मैं डिफेंस के लिए जो नेवी होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए जो शिप यूज किया जाता है उस पर जो वर्कर्स होते हैं उसे मर्चेंट नेवी कहते हैं। अगर आपको सी में ट्रेवल करना पसंद है तो आपके लिए आफ्टर ट्वेल्थ एक अपॉर्चुनिटी है। आर्किटेक्चर बेसिकली इसमें बिल्डिंग्स, मॉल्स, होटल, हॉस्पिटल की डिजाइनिंग या फिर पूरा एक इंडस्ट्री का सेटअप डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा किसी सिटी में कहाँ पे मॉल्स, रेलवे, एयरबेस और कहाँ पे रेजिडेंशियल हाउस बनेगा इसे डिजाइन करने के लिए भी आर्किटेक्चर काम आता है। अगर आप थोड़ा क्रिएटिव आइडिया थिंक कर सकते हैं और साथ ही आपकी ड्रॉइंग स्किल थोड़ी अच्छी है तो आप इस फील्ड में ग्रेजुएट कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन, यदि आपको कंप्यूटर पे काम करना पसंद है या फिर आप अपना करियर कंप्यूटर के फील्ड में बनाना चाहते हैं या आपको प्रोग्रामिंग करना पसंद है तो ये फील्ड आपके लिए ही है, बट इस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब बहुत कम ही मिलती है। कमर्शियल पायलट्स, पायलट का मतलब प्लेन को उड़ाने वाला होता है। यहाँ पे कमर्शियल पायलट का मतलब कमर्शियल फ्लाइट जो होती है जिसमें पैसेंजर को ले जाया जाता है उसकी बात करेंगे, ना कि डिफेंस के पायलट की। अगर आपको हाइट से डर नहीं लगता है और आप एक बेहतर लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए ही है, बट इसकी प्रिपरेशन फ़ी थोड़ी कॉस्टली है। साथ ही इसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत कम मिलता है। इंडिया में बस एक ही कंपनी है जो गवर्नमेंट के अंदर है, वो है एयर इंडिया। इसके अलावा आपको फिजिकल फिट भी होना ज़रूरी है। डिफेंस, अगर आपको अपने कंट्री से बहुत प्यार है और आप उसकी सेफ्टी का सोच रहे हैं तो आपके लिए डिफेंस का फील्ड खुला है। यहाँ पे आपके लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फील्ड ओपन है, बट इसके लिए आपको फिजिकल फिट होना ज़रूरी है। लॉ, अगर आप लॉ जानने में इंटरेस्टेड हैं या फिर डिबेट अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए आफ्टर ट्वेल्थ एक करियर ऑप्शन हो सकता है। अगर हम जॉब एरिया की बात करें तो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर, कोर्ट में, एमएनसी कंपनी में, एमएनसी कंपनी मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी, बैंक एक्सेट्रा जगहों पे इसके लिए जॉब ऑफर की जाती है। फैशन डिजाइनिंग, नाम से ही क्लियर है कि किस चीज़ का कोर्स है। अगर आपको डिजाइनिंग या फिर क्रिएटिव आइडिया सोचना पसंद है तो आपके लिए फैशन डिजाइनिंग एक ऑप्शन हो सकता है। अगर हम जॉब एरिया की बात करें तो जनरली बॉलीवुड, हॉलीवुड और फैब्रिक कंपनी ही इसके लिए फेमस है, बट इसमें गवर्नमेंट जॉब ना के बराबर ही मिलती है। Hotel/hospitality management. जिस तरह से हमारे वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो इससे होटल इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रोथ कर रही है, जिससे इस फील्ड में जॉब मिलना बहुत आसान हो गया है। अगर आपको मैनेजमेंट का काम पसंद है तो आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए जो अंडर ग्रेजुएशन कुछ प्रोग्राम है वो इस प्रकार है: बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, BSc इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, BBA इन हॉस्पिटलिटी, ट्रैवलर एंड टूरिज्म। इस फील्ड में जो स्किल्स की ज़रूरत होती है वो कुछ इस प्रकार है: गुड कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबल टू मल्टीटास्क एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जब नाम सुनते हैं तो जनरली वो फील्ड ही नज़र आता है। बेसिकली ये बात बहुत हद तक सही भी है, एग्रीकल्चर का एक बड़ा पार्ट वो फील्ड ही है, बट इसके अलावा और भी पार्ट है एग्रीकल्चर का, जैसे फिशिंग, मधुमक्खी पालन, शिप पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, डायरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल बायोटेक्निक्स एक्सेट्रा। अगर हम जॉब एरिया की बात करें तो आपको ब्रांच के अकॉर्डिंग ही जॉब मिलेगी। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में जॉब अवेलेबल है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको इस फील्ड में थोड़ा कम ही इंटरेस्ट होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एग्रीकल्चर का ऐसा बहुत सारा पार्ट है जो मैथ स्टूडेंट के लिए भी ओपन है।
इसके अलावा और भी फील्ड हो सकती है, आप फ्री हैं गूगल सर्च करने के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा और अधिक इन्फॉर्मेटरी वीडियो देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।